हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। माय नेम इज शरत, आप देख रहे हो आपकी का फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट शरत टेक। फ्रेंड्स, आज सैटरडे, आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ मंडे, जो कि 1 नवंबर के दिन में, हम सोमवार को लग रहा है मार्केट में एक बहुत बड़ा गिरावट आना चाहिए। क्यों, मैंने कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजी व्यू नहीं दे रहा हूँ आप लोग को, मैं बता रहा हूँ जो डेटा व्यू, डेटा जो बोल रहा है FII DII का जो डेटा, एंड ये जो शेयर का जो शेयर का ऊपर जो बियरिश कैंडल बन चुका है उसका दम पर मैं बोलूँगा मंडे का ऊपर एक बहुत बड़ी बिकी वाली हैवी रह सकता है, एंड हो सके सेकेंड हाफ में वो अपसाइड जा सकता है, बट गिरावट तो तय है फ्रेंड्स। आप माने या ना माने, मैं आपको ईच एंड एवरी जो कि डेटा का माध्यम से आपको बताऊँगा। और मार्केट में अगर गिरावट हैवी होता है, कौन सा शेयर में हमारे पास है और वो शेयर को अगर हम एवरेज करना चाहेंगे तो करेंगे, जो कि मैं निफ्टी 50 की स्टॉक बताऊंगा जो कि हम एवरेज कर सकते हैं, एंड साथ साथ आप लोग को बताऊंगा जो कि आप मंडे का मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल क्या होगा, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस किधर है, क्या है, ईच एंड एवरी आप लोग को यही वीडियो में बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते आज का टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग को मैं हमेशा की तरह जो रिक्वेस्ट करता हूँ, स्मार्ट शरत टेक टेलीग्राम चैनल को अगर जुड़े नहीं तो जल्दी से अगर जुड़ जाइए, एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला घंटी आइकन ऑन कर रखिए, जैसे कि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो में इंफॉर्मेटिव अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिए, आपका फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिए, एंड टेलीग्राम चैनल जुड़े नहीं तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, जाकर लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। क्यों ना, आपको मिलता है इधर निफ्टी बैंक निफ्टी 0 to 0 कॉल एंड स्टॉक ऑप्शन कॉल, इक्विटी कॉल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जो निफ्टी की बात कर रहा था, निफ्टी का जो क्लोजिंग दिया है आपका सामने, जो कि 185 माइनस में क्लोजिंग दिया, निफ्टी का जो 17671 का जो लेवल पे क्लोजिंग दिया, ये एक बियरिश जोन में आकर घुसा है जो कि निफ्टी। तो हम लोग इसके ऊपर मैं आपको ज़्यादा क्लियरिटी करता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे FII का डेटा के ऊपर, FII का डेटा क्या बोल रहा है ना, कैश की डेटा जो बोल रहे हैं FII, ये FII का डेटा मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जो कि एक मिनट है फ्रेंड, आप लोग को मैंने थोड़ा देखिए, मैं FII का डेटा बता रहा हूँ आपको। FII का डेटा का हिसाब से आप देख सकते हो, ये है ये मंथ का ग्रॉस परचेज, एंड ये मंथ का ग्रॉस सेल, एंड ये नेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। एक मिनट है, यस ये है ये मंथ का जो इनका नेट परचेज, नेट परचेज में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये नेट परचेज में माइनस में जाकर क्लोजिंग दिए है मार्केट में आज। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम होगा जो कि 25,572 करोड़ का ये सेल किए हैं अक्टूबर मंथ में, बाइंग आपका सामने है, बहुत बड़ा बाइंग है, सेलिंग भी उससे बढ़कर सेलिंग किए हैं जो कि FII, ये कौन सा ना कैश मार्केट में। अभी F&O मार्केट में हम देखेंगे F&O में क्या कैसा किए, F&O में आप देख सकते हो फ्रेंड, F&O में भी बहुत बड़ा जो कि बिक वाले के साथ दिए है, ये FII का डेटा बोल रहा है। FII कैश मार्केट एंड फ्यूचर, सॉरी ऑप्शन एंड फ्यूचर मार्केट में नेट सेलर बनकर बैठे हैं, जो कि हेवी कैश कॉल जो सेल किए हैं FII, उसको देखकर मार्केट में बहुत बड़ा चिंता जो कि बड़े बड़े एनालिस्ट का हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे और एक डेटा जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो डेटा कौन सा है। आपको जैसे मालूम होगा फ्रेंड्स, FII का जो डेटा का हिसाब से अभी चार्ट पे ऊपर हम लोग आते हैं, चार्ट में आने से पहले मैं और एक डेटा दिखाऊंगा जो कि आपको बताया अभी, यस कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हो, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इज आर द स्ट्रिक प्राइस, एक मिनट, 18,500 एंड देयर इज द हाइएस्ट अकुमुलेशन ऑफ 18,300 एंड 18,000। ये हमारा जो सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस को तोड़ ताड़ के अभी नीचे आ रहा है जो कि मार्केट, और उसका जो सपोर्ट बनकर अभी आ रहा है, मुझे लग रहा है
17,500 तो टच करना चाहिए, जो कि मंडे का मार्केट में मैं इतना बड़ा बियरिश हूँ क्यों ना, आगे चल के आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो कि हमारा जो क्लोजिंग हुआ है, क्लोजिंग आपने दिया है 17,671 के ऊपर। ओके, तो इस बार जो क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग बहुत बड़ा सेल मोड में है, इसको और भी थोड़ा गिरना है, और गिरेगा तो कितना तक तो आएगा, जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला 17,500 के आसपास मैं देखता हूँ, जो कि मंडे का मार्केट में। क्या ये संभव है? 100% संभव होगा। एंड और उसके बाद मार्केट में फिर एक पुल अप आएगा, बाउंस बैक आना ही तो है, क्योंकि मार्केट अभी 60-70% ओवर सोल्ड जोन में है, बट और भी गिरावट जायज है, वो आना ही चाहिए, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है आज पर डेटा, तो आप देख सकते हो। उसके बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आ रहा है 18,300, इसका ऊपर तो मार्केट ये वीक में तो जाना नहीं है, जो कि आपको नेक्स्ट वीक में कोई छुट्टी है दिवाली का, उसके बाद मार्केट में और भी हैवी सेल अप आ सकता है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है। एंड अगर ऊपर तब मंडे का दिन में हम लोग अगर अपसाइड देखेंगे, मंडे का दिन का मेरे को अपसाइड 17,800 का ऊपर भी नहीं दिखता है, वो हिसाब से जो 18,000 का जो पुट ऑप्शन जो लोग बाइंग करके रखे कि सेल करके रखे, उनका तो चांदी ही चांदी, और मेरा ग्रुप में जो लोग को मैंने बोल के रखा है वो लोग का भी चांदी से चांदी। अगर आपको ग्रुप में आना है तो हमारा थ्रू अकाउंट ओपन करके, एक डिमांड अकाउंट ओपन करके हमारे साथ में जुड़ सकते हो, वो कैसा आगे मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं अभी चार्ट में आता हूँ और निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता हूँ और हम लोग एक बार देख ही लेते हैं। देखिए लो देखिए 17,613, मार्केट में जब सेल अप आएगा कैसे, 17,609 का अगर नीचे आ रहा है आप आँख बंद करके सेलिंग कीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल में मेरा हो तो मैं आपको उधर आपको इंडिकेशन दे दूंगा, लेवल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। एंड आपका जो ये जो क्लोज, ये जो क्लोजिंग सॉरी लोएस्ट पॉइंट आसपास हम लोग उधर क्लोजिंग दिया है, तो हम लोग चार्ट पे जाकर थोड़ा देखते हैं। चार्ट पे आप देख सकते हो कंटिन्यू, जैसे इधर हम लोग टॉप बनाने के बाद हम लोग कंटिन्यूस लो की तरफ बढ़ रहे थे, एंड बीच में एक हैमर बना के हम एक दिन अपसाइड क्लोजिंग दिए मंडे का सेशन में, ऐसे आई थिंक बुधवार की सेशन नहीं, ये होगा बुधवार का सेशन की क्लोजिंग है। ओके, ये बुधवार का क्लोजिंग है, उधर हम लोग देने के बाद कंटिन्यू एक बियरिश एंगल फ्रेम पैटर्न का कैंडल बनाकर कंटिन्यू दो दिन से हम गिर रहे हैं, और अपना सपोर्ट जोन जो आ रहा है, सपोर्ट मुझे लग रहा है जो कि 17,500, ये एक बिग सपोर्ट है, ये सपोर्ट में एक बार हमको रुकना है, रुक कर फिर बाउंस करना है थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर मतलब किधर तक हम बाउंस करेंगे, मुझे लग रहा है 17,800 को भी हम लोग टच कर सकते अपसाइड की तरफ, डाउन साइड आपको बोल दिया जो कि 17,500, ये मेरा नेक्स्ट वीक का व्यू है। ओके, किसका ऊपर? निफ्टी के ऊपर। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी से पहले मैं बोलूँगा आपको, जो GDL का आपको मैंने एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया था, आप देख सकते हो मैं बोला था 268 में इसमें बाइंग करिए, और देखिए बियरिश मार्केट में भी ये 10% पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग दिया है, जो कि GDL। अगर आपका पास नहीं है आप इसका पर नज़र रख सकते हो, और ये आपको 300 शॉर्ट टर्म का आपको लेकर चल सकता है, जो कि मैंने एक आपको कैश कॉल प्रोवाइड कर ही दिया है। एंड देन चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत नटखट है, वो गिरता है तो आँख बंद करके गिर जाता है, जो कि बहुत ही नीचे गिरता है, जो कि आप लोग के सामने जो कि फ्राइडे का मार्केट में आप देख सकते हो, जो कि 38,400 को भी टच कर दिया था ये बैंक निफ्टी। और जो हिसाब से क्लोजिंग आया फ्रेंड्स, मेरे को भी ये क्लोजिंग बहुत ही डरावना लगता है, जो कि 39,115 के ऊपर। अगर मार्केट अगर गैप डाउन होकर ओपन होता है, मुझे तो लग रहा है गैप डाउन ओपन होना चाहिए, और ओपन होता है तो अगर 100 पॉइंट का नीचे ओपन हो जाता है तो आप तुरंत सेल कीजिए फ्रेंड्स, तुरंत सेल कभी करोगे ना, जब भी 38,000
950 का नीचे आ जाता है आप सेल कीजिए, बिंदा सेल कीजिए। और आपका सेल कब तक रहेगा, जो कि फ्री फॉल होगा बैंक निफ्टी में, और वही फ्री फॉल बैंक निफ्टी का में जो फ्री फॉल आएगा वो निफ्टी को भी खा डालेगा, निफ्टी को खा डालेगा, निफ्टी को बहुत नीचे लेकर आ सकता है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी किधर तक आ सकता है ना, 38,400 का आसपास आ सकता है, जो कि मेरा ये मानना है। ओके, तो बैंक निफ्टी में हम लोग चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट जो कि दो दिन से बहुत ही ज़ोर से गिर रहा है, आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी इधर एक फर्स्ट सेकेंड गुरुवार शुक्रवार दो दिन में गिरावट जारी है, एंड ये गिरावट कब तक रहेगा, जब तक ये 38,354 को टच नहीं करता है, एक बार और भी गिरावट आ सकता है। हाँ, गिरावट के बाद रिकवरी भी फास्ट करता है बैंक निफ्टी, इसलिए आपको बैंक निफ्टी पे ध्यान देकर काम करना पड़ेगा अगर बैंक निफ्टी में काम करते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी का तो मैं ऑप्शन कॉल प्रोवाइड करता हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल में, मेरा सपोर्ट ग्रुप में, मेरा जो लोग मेरे साथ प्रीमियम ग्रुप में जुड़े हैं। अगर आपको चाहिए मेरा प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको हमारा दिया हुआ लिंक में अकाउंट ओपन करके हमारा साथ जुड़ सकते हो। एंजल ब्रोकिंग, एलाइस ब्लू एंड जीरोधा में अकाउंट ओपन करके आप हमारा साथ में जुड़ सकते हो हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप में। अगर प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, उसके लिए भी आप कुछ प्राधान्य दिया गया है, उसको आप फॉलो करके हमारा साथ जुड़ सकते हो, जो कि प्रीमियम ग्रुप का ये आपका सामने पोस्ट किया था मैंने। तो अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के साथ साथ कौन सा शेयर में हमको अगर गिरता है हमको आगे लेकर उसको चलना चाहिए, एवरेज करना चाहिए। सबसे पहले बोलूँगा रिलायंस इंडस्ट्री, इसमें अगर गिरावट आता है फ्रेंड्स, आप इसको एक्युमुलेट करिए। बहुत ही डिप, जैसे डिप मिलता है 50% डिप मिलता है, तो आप इसमें आपको सपोज 10,000 रुपया आपको लेना है, तो आप इसमें 2,000 क्वांटिटी डाल ही दीजिए। उसके बाद मैंने HDFC बैंक का नाम लूँगा, उसके बाद इन्फोसिस का मैंने नाम लूँगा, उसके बाद ICICI बैंक का भी मैं नाम लूँगा, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से, जो कि फ्राइडे मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग बैट्समैन की तरह खड़ा था ये बैंक। उसके बाद HDFC लिमिटेड के ऊपर मैं बाइंग का मैं रिकमेंडेशन करूँगा, HDFC बैंक को आप बाइंग करके चल सकते हो। उसके बाद बजाज फाइनेंस, ये कुछ ख़राब स्टॉक नहीं, बट मैं उसको अभी आपको होल्ड करूँगा, जो बोलूँगा जो अभी आपको एक्युमुलेट नहीं करना है। और उसके बाद एक प्रीवियसली प्राइवेट सॉरी POC स्टॉक, जो कि सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका ऊपर मैं बुलिश बहुत ही हूँ, आप इसका ऊपर बाइंग करके चले, जो कि फ्राइडे का मार्केट में 500 का ऊपर ये क्लोजिंग दिया, मुझे लग रहा है ये बहुत ही ऊपर जा सकता है। एंड अगर आपका एक साल का व्यू है तो फ्रेंड्स मैं बोलूँगा ये 750 को भी टच कर सकता है, इसलिए आप इसको ऊपर नज़र डाल के रखिए। जैसे मार्केट गिरता है गिरावट में उसको आप एवरेज करते रहिए। उसके बाद मैंने अभी और किसका ऊपर मैं दाव लगाने के लिए बोलूँगा, ITC रिजल्ट बहुत शानदार दिया था फ्रेंड, फिर भी ITC में पिटाई हुआ, ऐसा नहीं जो SCLTech एशियन पेंट विप्रो ये ख़राब स्टॉक है, बट मैं अब भी उनको थोड़ा राय देता हूँ, अभी थोड़ा इसका ऊपर नज़र मत रखिए। बजाज फिनसर्व ये मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक, बट मैं इसको भी आप लोग को बोलूँगा अब भी नहीं, थोड़ा सा और डिप चाहिए। उसके बाद लार्सन एंड टुब्रो, इसका ऊपर मैंने बाइंग का मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, जैसे बाइंग जैसे डिप आता है तो बाइंग करते चलिए। उसके बाद मारुति सुजुकी भी नहीं है, एक्सिस बैंक में भी आपको अवॉइड करूँगा, अभी अल्ट्राटेक सीमेंट में भी अभी आपको नहीं बोलूँगा, टाइटन में भी नहीं बोलूँगा, सन फार्मा जो कि फार्मा सेक्टर का बादशाह, उसको भी मैं अभी बोलूँगा, अभी थोड़ा अभी उसका ऊपर नज़र रखिए। बट आपका पास शेयर तो है, आप होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो कुछ इशू नहीं है। उसके बाद नेस्ले इंडिया, इसको भी मैं नहीं बोलूँगा, टाटा मोटर्स में आप बाइंग करके चलिए फ्रेंड, जैसे डिप मिलता है तो इसमें आपको माल उठाकर चलना चाहिए, साथ ही साथ JSW स्टील, टाटा स्टील, ये दोनों को भी मैंने बोलूँगा जो आप बाइंग करके चल सकते हो, इसमें मेरा बाइंग का रिकमेंडेशन अभी भी है। उसके बाद मैं किसका ऊपर बाइंग के लिए बोलूँगा, और HDFC लाइफ, इसका ऊपर मैं बाइंग का नहीं बोलूँगा, टेक महिंद्रा पर नहीं बोलूँगा, ONGC को भी नहीं बोलूँगा,
उसके बाद फिर मैंने चलूँगा और थोड़ा नीचे SBI लाइफ, इसको भी नहीं बोलूँगा, ग्रासिम को भी नहीं बोलूँगा, बजाज ऑटो को भी नहीं बोलूँगा, इंडाल को भी नहीं बोलूँगा, कोल इंडिया तो नहीं बोलूँगा मैं, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा इसको भी नहीं बोलूँगा, श्री सीमेंट उसको भी मैं नहीं बोलूँगा। अब भी चलते हैं और भी कौन सा स्टॉक, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, इसके ऊपर मेरा बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा, साथ ही साथ सॉरी इंडिया बुल इसको भी नहीं बोलूँगा, इंडोसिन बैंक को सॉरी, और डॉक्टर रेडी, डॉक्टर रेडी आपके पास है तो आप इसमें एक्युमुलेट करके चलिए, आपका पास इवरी डीप में 100 पॉइंट का डीप में आपका पास डॉक्टर रेडी में एक क्वांटिटी उठना चाहिए आपका तरफ से। उसके बाद और कौन सिप्ला जो कि फार्मा सेक्टर का बादशाह, उसका ऊपर भी मैंने आपको बोलूँगा नहीं करके चलना है बाइंग। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसका ऊपर मेरा स्ट्रॉन्ग बाइंग है, बाइंग है फ्रेंड्स, इसको आप बाइंग करके चल सकते हो। उसके बाद आयसर मोटर को भी नहीं, UPL पे भी नहीं, हीरो मोटो कॉर्प, इसका ऊपर आप नज़र रखिए फ्रेंड, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 3 दिन में एक धमाका कर सकता है। ये मेरा प्रीमियम ग्रुप में मैंने ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया था जे इसमें बाइंग करके चले, मैं आप ऑप्शन कॉल भी प्रोवाइड किया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा तरफ से कुछ बातें आप लोग के साथ शेयर किया, आशा करता हूँ आप लोग को हमारे बातें कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक करना मत भूलिए, आपका फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करते रहिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।